पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में पहुंचने से चंद घंटे पहले देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश एक महिला से पर्स छीनकर भाग रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को घेर लिया। इसी बीच बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश से लूटा गया पर्स बरामद कर लिया है। दरअसल एक महिला साई अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने आ रही थी। दिल्ली हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पर्स लूट लिया था। इसके बाद बदमाश नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क की ओर भाग गए। जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, लिहाजा शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारी भी महिला से लूट की सूचना पर पुलिस घटना स्थल की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाश हर्बल पार्क से मंगूपुरा की ओर भागते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें जावेद के पैर में गोली लगी। आरोपी जावेद अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के मुंडा पांडे का रहने वाला है। अंकित मित्तल ने बताया कि जावेद के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। थाना मजोला क्षेत्र में पूरे क्षेत्र अंतर्गत जब पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान शाम को एक सूचना आई कि एक दंपत्ति से जो कि गजरोला के रहने वाले हैं, उनसे 25,000 रुपये की छिनती हो गई है। उसी संबंध में अलग अलग पॉइंट जगह पर पॉइंट्स बनाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी नया मुरादाबाद क्षेत्र अंतर्गत 0 पॉइंट के पास चौकी प्रभारी जब चेकिंग में मामूर थे, तो 2 व्यक्ति एक बाइक पर सवार बहुत तेज गति से आए। जिनको रोकने का प्रयास किया तो वो नहीं रुके और आगे दौड़ गए। चौकी प्रभारी द्वारा लेपर्ड को साथ लेकर उनका पीछा किया गया। जब उन्होंने स्वयं को पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए देखा गया तो पुलिस पर उन्होंने फायर कर दिया। जवाबी फायर में जब चौकी प्रभारी द्वारा फायर किया गया तो वो बाइक से गिर गए और एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब रहा। पिछले लगभग 1.5 घंटे से हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। जो अभियुक्त जिसको गोली लगी है उसका नाम जावेद पता चला है, जो कि डिडोली अमरोहा थाने का HS है और उसके पास से लूटी गई रकम बरामद हुई है। सर कितने मुकदमे दर्ज हैं इस पे? ये डिडोली अमरोहा जनपद से HS है और लगभग 2 दर्जन मुकदमे इस पे लूट और डकैती गैंगस्टर एक्ट के इस पे पंजीकृत है। सर कुछ इनाम भी है? इस पर कोई इनाम नहीं है। सर कितने राउंड फायरिंग की गई है? 1 राउंड अभियुक्त की तरफ से और 1 राउंड पुलिस पार्टी की तरफ से फायर। सर यहाँ पर कुल कितना किस तरह की अभियुक्त के पास से एक नाजायज असला और 5 जिंदा राउंड बरामद हुए। कुछ कैश भी बरामद हुए? लूटी गई रकम जो है वो बरामद कर ली गई है। कितनी रकम टोटल? 25,000 रुपये की लूट हुई थी, वो बरामद हुई।